नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी मुखियाओं को एक नया टास्क सौंप दिया है, जिसके तहत ही बिहार के सभी मुखियाओं को बिहार सरकार ने ट्यूबवेल लगाने के लिए जारी किए गए कोष के संबंध में 1740 पूर्व वर्तमान मुखियाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है। गौर करने की बात यह है कि ये ट्यूबवेल उनके इलाकों में कृषि उपज बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। लघु जल संसाधन विभाग में अब अतिरिक्त मुख्य सचिव परमार रवि मनुभाई ने बताया कि अगर वो एक महीने में प्रमाण पत्र देने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला विकास आयुक्तों से कहा गया है कि वो 1740 पूर्व और मौजूदा मुखिया को नोटिस जारी करे और उनसे उनके इलाके में ट्यूबवेल लगाने के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे। अगर वो एक महीने के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सरकार की तरफ से साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब इन पंचायत पदाधिकारियों को राज्य ट्यूबवेल योजना के तहत दिए गए कोष के संबंध में कई साल से उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कराए गए हैं। इन पदाधिकारियों में ज्यादातर पूर्व मुखिया है। प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाने से इस बात की आशंका भी बनी रहती है कि कहीं कोष का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह निर्देश पिछले महीने ही करने का काम किया गया है, जिसके बाद ही अब विभाग ने लखीसराय और शेखपुरा जिले के कई मौजूदा और पूर्व मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि वो अब निर्धारित वक्त में उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में नाकाम रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस बात को बताने से इनकार कर दिया है कि कुल कितनी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। मानक ट्यूबवेल लगाने की अनुमानित लागत भी 1.5 लाख रुपए है। अब ये इलाके पर निर्भर करता है कि ये योजना सरकार ने खासकर उन किसानों की आय को बढ़ाने के लिए शुरू की है जो लगातार सूखे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बारिश की भी अजीब अटखेलियां देखने को मिल रही है। कहीं बारिश तो कहीं सूखे का मंजर दिख रहा है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सूखे के कारण किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है, जिससे किसानों को खाने तक में परेशानी हो रही है। ऐसे में अब सरकार ने यह जिम्मेदारी उठाई है कि किसानों को पर्याप्त मदद की जाए, जिससे पानी की समस्या कम से कम उनकी खत्म हो। हालांकि सरकार के इस नए फैसले से उम्मीद यही की जा रही है कि किसानों को काफी फायदा मिलने वाला है। वहीं सभी मुखियाओं को बिहार सरकार ने इस बाबत नई जिम्मेदारी सौंप दी है, जिससे अब किसानों के पास पानी पहुंचाने की देखरेख मुखियाओं के दायरे में होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।